जीन पियाजे, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीन पियाजे का जो चैप्टर है हमारे सी टेट यूपी टेट में आता है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आप अगर इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आप जीन पियाजे के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको इजीली आप कर पाएंगे। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्ज़रलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान पर शोध किया था। उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर ये सारी जो सिद्धांत है उन्होंने स्वयं के बच्चे पे खोज करके दिया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है उसमें यह आता है सीखना और सूचना एकत्रित करना। इसमें बच्चा क्या करता है संज्ञानात्मक विकास में, सीखता है और सूचनाएँ एकत्रित करता है। इसमें बच्चे में वृत्ति प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति शामिल है। इसमें इन सभी चीज़ों का संज्ञानात्मक विकास में इनका सभी चीज़ों का विकास होता है। संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित समावेशन कहलाता है। संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है उसको समावेशन कहते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, यानी कि सीखने से ही हमारे ज्ञान का निर्माण होता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जीन पियाजे की चार अवस्थाएं हैं, उन्होंने चार अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की, चार अवस्थाएं दी हैं, जो कि पहला है इंद्रिय जनित गामक संवेदी प्रेरक अवस्था, जैसे नाम से ही पता चला इंद्रियों का प्रयोग करना। इसमें बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक इस अवस्था में रहता है, जन्म से 2 वर्ष। इसको आप याद कर लें क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा मानसिक क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा कोई भी कार्य संपन्न करता है। वो कोई भी कार्य करना होता है तो अपनी मानसिक क्रियाएं और इंद्रियों के द्वारा ही करता है। जैसे बच्चे को भूख लगी, बच्चे को अगर भूख लगती है तो वो रो कर व्यक्त करता है कि मुझे भूख लगी है, वो बोल नहीं पाता है क्योंकि इस अवस्था में भाषा का विकास नहीं हुआ होता है। बच्चे को कुछ भी होता है तो वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बच्चे इस अवस्था में अपनी इंद्रियों और संवेदों का प्रयोग करते हैं। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। अब चलिए देखते हैं जीन पियाजे की दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की रहती है। इसमें बच्चा परिवेश की वस्तु को पहचानना तथा विभेद करने लग जाता है। जैसे जब बच्चा इंद्रिय गामक अवस्था में रहता है तो वो जल्दी किसी को पहचान नहीं पाता है। वो किसी अपनी माँ से मिलता जुलता किसी औरत को देखेगा तो सोचेगा मेरी माँ ही है, किसी आदमी को देखेगा सोचेगा मेरा पिता है। तो इस तरीके से बच्चा जो है इस अवस्था में पहचानने लग जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, और वो उनमें अंतर करने लग जाता है, मतलब अपने परिवेश की वस्तुओं को समझने लग जाता है। जैसे कि इस अवस्था में अगर बच्चे के सामने गाय और भैंस का उद किया जाए तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये गाय है, ये भैंस है। तो इसी तरह के से इस अवस्था में भाषा का भी विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा बोलने भी लग जाता है। ये सारे पॉइंट्स याद करते चलिएगा क्योंकि इस पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं। और ये एक बार आपका क्लियर हो गया तो आपको जीन पियाजे का कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाओगे। इस अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास हो जाता है, वो बोलने लग जाता है, वार्तालाप करने लग जाता है, अपनी बातें बोल के स्पष्ट कर सकता है। इसमें नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह होता है। इसमें बच्चा नई सूचनाएं एकत्रित करता है, अनुभव अपने अनुभवों के हिसाब से बोलता है, समझता है, सोचता है। इसमें 2 अवस्थाएं दी गई हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही 2 अवस्थाएं हैं, पूर्व वैचारिक अवस्था और एक है अंतदर्शी अवस्था। जो पूर्व वैचारिक अवस्था है वो 2 से 4 वर्ष तक की रहती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख लें, ये क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये पूर्व वैचारिक अवस्था ये 2 से 4 वर्ष तक की रहती है।
इसमें वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं, मानसिक चिंतन विकसित करना करता है बच्चा। वस्तुओं को पहचानना, समझना, सोचना, शब्द अपने बनाता है बच्चा। इसमें प्रतिमाओं, मानसिक चिंतन विकसित करता है। अंतर्दर्शी में क्या होता है? अंतर्दर्शी 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा चिंतन और तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, मतलब थोड़ा चिंतन भी करने लग जाता है और तर्क भी कर सकता है। जैसे इसमें बच्चे के सामने जोड़, घटाना, गुणा दे दिया जाए तो वो बच्चा करता तो है लेकिन उसके पूरे नियम नहीं जानता, नियम को समझ नहीं पाता है कैसे करना है, लेकिन वो कर सकता है अगर हम उसको समझाएं तो। अब इसी तरीके से जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष तक की है। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानना तथा विभेदीकरण भी करने लग जाता है, यानी कि बच्चा किसी वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। जैसे कि मान लीजिए ये गाय है, भैंस है, उनमें विभेद करने लग जाएगा ये कुत्ता है, तो सबके 4 पैर हैं लेकिन वो विभेद करने लग जाएगा कि हाँ ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, और ये कौन सा जानवर है, उनके बारे में वो अच्छी तरीके से विभेदीकरण कर सकता है। इसमें वो परिपक्व हो जाता है। और इस अवस्था में ये जो पॉइंट है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस अवस्था में बच्चा चिंतन करना तथा तर्क संगत प्रारंभ कर देता है। इसमें पूरी तरीके से इस चिंतन में और तर्क में पूरा वो परिपक्व नहीं होता, इसमें प्रारंभ हो जाता है उसका। मतलब कि जैसे हम बच्चे को 10-10 के सिक्के दे दें तो वो उनमें विभेदीकरण भी कर लेगा, उनको क्रमबद्ध भी कर देगा, लेकिन अगर उसको हम मुँह जबानी बोल के समझाएं कि ये ऐसे ऐसे है तो उसको करने में ये चीज़ें दिक्कत आती हैं। तो ये चीज़ें वो तर्क करना और चिंतन करना इस अवस्था में बच्चा प्रारंभ कर देता है। लंबाई, भार, अंक आदि पर वो चिंतन करने लग जाता है, वो समझने लग जाता है। लंबाई, भार, अंक कोई भी हो तो बच्चा समझने लग जाता है कि क्या, किसकी कितनी लंबाई है, भार कितना है, कौन सा ये अंक है, वो इस पे आदि पर समझने लग जाता है और चिंतन भी करने लग जाता है। अपने जैसे उसको समावेशन के लिए समाज में वो नियमों को भी समझने लगता है इस अवस्था में बच्चा, कि क्या किस चीज़ के क्या नियम हैं, किस तरीके से रहना चाहिए। वो अपने समावेशन के लिए इस अवस्था में बच्चा समझने लग जाता है कि हाँ मुझे इस तरीके से अपना अनुकूलन करना है, इस तरीके से रहना है। इसमें अहम केंद्रितता, व्याख्या या स्पष्टीकरण, क्रमबद्धता निर्मित करना, इसमें बच्चा ये सारी चीज़ें निर्मित कर लेता है। अब आती है जीन पियाजे की चौथी अवस्था, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये लास्ट इसका अवस्था है जीन पियाजे जी का। ये 11 से 15 वर्ष तक की रहती है। जीन पियाजे की ये अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की रहती है। इस अवस्था में बच्चा पूरी तरीके से लगभग परिपक्व हो चुका होता है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। ये चीज़ बिल्कुल आप इस अवस्था की ये प्रमुख चीज़ है, अमूर्त चिंतन। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, तो ये अनौपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास इसमें हो जाता है बच्चे का पूरी तरीके से। समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। जैसे उसके सामने कोई भी समस्या आ जाती है उसके लिए वो उस समस्या को अपने दिमाग में, अपने सोच में क्रिएट करके उसका समाधान निकाल सकता है। जैसे कोई भी उसके सामने समस्या आई तो समस्या उसके सामने ना भी हो फिर भी वो उसका अपने दिमाग में चिंतन करके, अमूर्त चिंतन करके उसका
समाधान निकाल सकता है, जो कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में अगर उसको चिंतन करना रहता है तो वो चीज़ें उसके सामने होती हैं तभी वो उस पर चिंतन कर पाता है। इसमें सामने नहीं भी होगी कोई चीज़ तो वो उसके समाधान आसानी से निकाल लेगा। इसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। तर्क का अनुप्रयोग करना, तर्क का अनुप्रयोग करता है, निष्कर्ष निकालना सीख जाता है, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करने लग जाता है। मतलब इस अवस्था में बच्चा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, जो कि तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। इसमें बच्चा कुछ भी जब सामने ही होगा, मूर्त का मतलब है जब उसके सामने कुछ होगा तभी वो उस चीज़ों को समझ पाएगा, उसका समाधान कर पाएगा। लेकिन अमूर्त में बच्चा बिना देखे भी किसी समस्या का समाधान कर लेता है। जीन पियाजे का एक और सिद्धांत दिया है उन्होंने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आ जाता है कभी कभी, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है इसमें उन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं, प्रायत नैतिकता का की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जो कि 4 से 7 वर्ष तक की रहती है, और ये स्वायत्त नैतिकता की अवस्था 7 से 10 वर्ष तक की रहती है। और इनके कुछ अन्य सिद्धांत और भी हैं, निर्माण और खोज का सिद्धांत, कार्य क्रिया का अर्जन। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा निर्माण करके ही खोज, निर्माण और खोज से ही सीखता है। जैसे बच्चे कोई चीज़ कर रहा है तो उसका खोज करता है और उससे वो सीखता है। तो ये कुछ अवस्थाएं थी और ये कुछ सिद्धांत थे, जो कि आप एकदम इसको क्लियरली अपने माइंड में रख लीजिए, और इससे आपका जीन पियाजे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको कर पाएंगे। जो ये क्रिया और अर्जन है इसमें चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता होती है, उत्क्रमणशीलता होती है। ये किसी बर्तन को, अगर जैसे मान लीजिए किसी बर्तन को बच्चा तोड़ देता है तो उसको वो दोबारा जोड़ने की क्षमता उसके अंदर में विकसित हो जाती है, वो जोड़ने का प्रयास करता है। तो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप थोड़ा अच्छे से दोबारा से देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।